Good morning, children. Today we start with the gravitation, about introduction of gravitation, mass, weight, and also what is the applications of G and what are the applications of G, capital small g, and gravitational force, importance of gravitational force. बेटा मास तो इन प्रीवियस क्लास आल्सो आई जस्ट गिव एन आइडिया अबाउट दिस कि मास इज द मैटर कंटेंट इन सब्सटेंस. जो भी सब्सटेंस है उसमें जो कंटेंट है दैट इज मास. आई नेवर चेंज ऑन द अर्थ सरफेस, नेवर चेंज इन स्पेस, नेवर चेंज इन एनी अनदर प्लैनेट. बट वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट ऑलवेज चेंज्ड. From the earth, at the earth surface, it is different. Same object, weight is different. In space, different. It different height, different. And in another planet, different. It may be zero in space. It is weight is the force due to gravity. A mass is the content present in. और तुम लोगों को बताया कि मास जो है हम जनरली बीम बैलेंस से मेजर करते हैं और दैट इज कॉम्पेरेटिव मास, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में जितना कंटेंट है दैट इज प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट कंटेंट. बट स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द फोर्स और दैट इज मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस और बीइंग मसी. नाउ चिल्ड्रन, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम इन ऑन द अर्थ सर्फेस, दैट इज सी लेवल. इट्स वैल्यू डिक्रीजेस एज वी गो अप एंड और go down under body under the earth, but decreases more as we go up than in coming down. yani earth ke andar jane mein jitna decrease karta hai usse zyada upar jane mein decrease karta hai. iska hum tum logo formula jo bataye the g equal to minus jo man agar g is the gravitational acceleration at the earth surface yani ki gm by re square, to ye upar jane pe minus 2h by re ke value se घटता था, इतना टाइम से घटते जाता है. यानी g is decreases by 2h re times of the g. g क्या इतना वैल्यू से वो घटता जाएगा ऊपर, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे. लेकिन अगर अंदर जाएंगे तो ये घटेगा माइनस एच बाई आर ई से, यानी कि g का वैल्यू जो है अर्थ सरफेस पे जो है नीचे की ओर जाएंगे तो h by re times of the g से डिक्रीज करेगा. ये हम लोगों का है, माने हम लोगों का ऑब्जर्वेशन या न्यूटन्स का ऑब्जर्वेशन है कि ऊपर जाने पर ये हमारा जो है वेट घटता जाता है और नीचे जाने पर भी हमारा ऊपर जाने पर हमारा सॉरी एक्सीलरेशन घटता जाता है और नीचे जाने पर एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है, घटता जाता है. लेकिन कॉम्परेटिवली जो है ऊपर जाने पर जो घटता है वो आपका ज्यादा घटता है और नीचे जाने पर कम घटता है. इसके बाद हम लोगों का है एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी. कहता है कि इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं. मान लीजिए कि हम एक लिफ्ट पे हैं, एन एलिवेटर गोज अप विथ एक्सीलरेशन ए, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और हम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं. जैसे कि फ्लाइट जो है लैंड करती है तो क्या होता है, एक्सीलरेट होती है और ऊपर की ओर जाती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन से जाती है. अगर ये एक्सीलरेट करती हुई जाती है, ऊपर की ओर जाती है और एक्सीलरेट करती हुई जाती है, तो कहता है कि एक्सीलरेशन के कारण क्या होता है, उसका वेट जो है वो बढ़ता हुआ सा महसूस होता है. क्यों? उसका अपरेंट वेट जो है, जो माने महसूस होने वाला जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका वेट जो है उसका जो है उसके साथ मास इंटू एक्सीलरेशन जो व्हीकल का एक्सीलरेशन है वो भी एड हो जाता है. और G plus ma acceleration जो होता है gravitational acceleration is with the acceleration of the vehicle, दोनों add होकर mass से multiply होता है. So apparent weight जो है किसी भी व्यक्ति का अगर ऊपर की ओर जा रहा है और accelerated motion के साथ जा रहा है तो उसका weight increase करता हुआ महसूस होता है. अगर यही acceleration के साथ नीचे की ओर आता हुआ है, नीचे आता है और वो
तब उसका वेट जो है डिक्रीज करता हुआ महसूस होता है, एम जी माइनस मान जी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस ए हो जाएगा, और ये आपका नीचे आता हुआ तो वो उसको महसूस होगा कि वो नीचे आ रहा है, और इस तरह से उसका वेट घटता हुआ। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा जब आप जो मेला वगैरह में लगता है ना सर्कुलर वाला झूला, तो ऊपर जाते हो तो तुमको अपना हेवी लगेगा, वजन जो है भारी भारीपन लगेगा। ये तुम लोग अभी यंग स्टेज में हो सकता है, नहीं मानो बच्चों को महसूस होता है, इसलिए वो डर से आंख बंद कर लेते हैं, या फिर हम लोगों को जैसे लोगों को महसूस होता है जो इस एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। तो नेचुरली तुम लोग तो एक्साइटमेंट मोड में रहते हो और सब चीज को एंजॉय करते हो, इसलिए तुम लोगों को नहीं महसूस होगा, लेकिन जनरली अगर तुम महसूस करना चाहो तो महसूस होगा। और जब उतरते हैं तो तुम्हारा वेट एकदम लाइटर हो जाता है, लगता है कि हवा में उड़ जाएंगे, इस टाइप का हो जाता है, यानी कि वेट डिक्रीज करता है, रिपरेंट वेट एम जी माइनस एम ए हो जाता है। और इस तरह से हम लोगों का जो है एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग हल्का फुल्का एक्सपीरियंस तो हम लोग का होता ही है, और ये इस तरह का तो कहता है। और थर्ड केस, अगर एलिवेटर ऊपर भी जा रहा हो या नीचे हो लेकिन एक्सीलरेशन नहीं हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेट नहीं कर रहा हो, तो उस केस में वेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे आ रहे हो। कहता है इफ अ लिफ्ट एंड एलिवेटर कमिंग डाउन एंड रोप ऑफ लिफ्ट गेट्स ब्रोकन, यानी एक बैग गिर जाता है और आदमी लिफ्ट टूट जाता है और एक बार गिर जाता है, तो हमारा वेट वेटलेसनेस फिर करता है, यानी कि वेट जीरो हो जाता है, एम जी माइनस एम ए इक्वल टू जीरो, यानी वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाता है, और नेचुरली क्या हो रहा है, हमारा अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। इसका तुम लोगों को मतलब कैसे कहे लिफ्ट, असल में क्या होता है कि आपका कोई भी व्हीकल में हो तुम, तो उसके एक्सीलरेशन के साथ आप या डाउन हो रहे, मान लो कि फ्लाइट में, तो फ्लाइट में अगर एरोप्लेन ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो जाए तो तुम्हारा बदन में भारीपन महसूस होगा, तुम्हारा लगेगा कि वजन बढ़ रहा है। अगर एक्सीलरेट होकर नीचे आ रहा है तो तुमको लगेगा कि हम हल्का हो रहे हैं, और ये चीज तुम देखते होगे, डी एक्सीलरेशन होता है तो मैंने एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो तुम देखते होगे तुम्हारा वजन जो है वो आपका हल्का लगने लगता है जब उतरता है, तो है ना, कान में हवा जैसे लगता है वो भी फीलिंग होती है तुम लोगों को। तो कहने का मतलब है कि डीएक्सीलरेशन जब नीचे आ रहे हैं तब भी अगर चेंज इन वेलोसिटी होता है तो हमारा लाइटर रहता है वजन, और वजन भार कम लगने लगता है, ऊपर जाते हैं तो हमारा वजन हेवी लगने लगता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्पीड से ऊपर जाता हो या नीचे आता हो तो हमको कोई इसमें चेंजेस नहीं नजर आता है, वेट में कोई चेंजेस नहीं। If the lift of elevator coming down और एक बैग टूट जाता है तो हम क्या होता है कि गिरते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, हम लिफ्ट के साथ वन ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और वन ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या होता है, सेम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, अलग अलग हम लोगों को नहीं खींचती है, एक ऑब्जेक्ट समझ के खींचती है, यानी कि लिफ्ट के अंदर हम है। अगर बाय द वे लिफ्ट में हम हवा में है, यानी किसी कारण से माने मैं हूं या तुम हो या फिर कोई बच्चा है जिसको तुमने एक बैग लिफ्ट में ऐसे ही खिलाने के लिए तुम हवा में छोड़ा है और लिफ्ट उसी समय टूटा है, तो नेचुरली क्या होगा, वो बच्चा हवा में ही तब तक रहेगा जब तक कि उस वो लिफ्ट नीचे जमीन में ना टकरा जाए, और तब जाकर बच्चा लिफ्ट में गिरेगा। अब उसको हो सकता है कि वो चोट ना लगे उतना, क्योंकि वो तो इतनी ही हाइट से गिरा है, उसको कोई चोट नहीं लगेगा, जनरली चोट लगती भी नहीं है, वो नीचे अर्थ का फोर्स के कारण चोट लगता है, नीचे अगर अर्थ फोर्स लगाती है और उसके कारण डैमेज हो जाता है तो कभी कभी हम लोगों के शरीर में चुभ जाता है या हम लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे के गिरने के क्रम में अगर हम किसी तरह से हवा में है तो नेचुरली हम लोग बस उतने ही हाइट से जमीन पर गिरेंगे जितना हाइट पर हवा में है, और तब क्या है, चोट हम लोगों को कम से कम लगेगा और उसके कारण हो सकता है कि हमारा कोई डैमेज नहीं हो। ऐसा बहुत केस होता है कि एरोप्लेन क्रैश किया, सब लोग गिर गए और गोद में बच्चा है वो जिंदा है, दैट इज द फिजिक्स। वो कहता है कि वो बच्चा क्या हुआ, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ गिरा, और गिरा तो फिर वो उसको हर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो माँ की गोद में ही था, माँ की गोद में था तो इक्वल फोर्स, माँ चोट लगी माँ को क्योंकि वो नीचे से चोट लगा तो उसको चोट लगी, लेकिन ऐसा भी चोट नहीं कि चुप गया और ये और उसमें बच्चा बचा रह गया। जनरली क्या होता है ना, हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है इस तरह की घटना,
क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने के क्रम में तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तुम्हारे ऊपर उस समय अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन ले तो हम लोग बच सकते हैं। हड़बड़ाओ नहीं, दिमाग को कॉन्शियस रखो। कुछ भी कभी भी घटना घटे तो फिजिक्स को याद रखो तो तुम्हारा कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स बहुत मायने की चीज है, तुम्हारे लाइफ को बचाने की, सेव करने की चीज है। ये है। अब है कि इफ अ लिफ्ट ऑफ एलिवेटर कम्स डाउन विथ एनी एक्सीलरेशन, ए अगर एक्सीलरेशन ए से वो नीचे आ रहा है और ये एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से ज्यादा है तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होगी, तुम जाके उसके छत पे चिपक जाओ निगेटिव एक्सीलरेशन के कारण। ड्यू टू ग्रेविटेशन आ रहा है, लेकिन अगर गाड़ी क्या है कि अगर गाड़ी वो एक्सीलरेट कर दिया जाए, वो एक्सीलरेशन जो है वो जी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कि आदमी जो है जो जमीन सीट पे बैठा हुआ है वो छत पर चिपक जाएगा। तो ये केस स्पेशल केस है। अगर कोई कोई भी लिफ्ट या एलिवेटर नीचे की ओर आ रही है विथ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेलोसिटी नहीं बात करी मैं, एक्सीलरेशन विथ एक्सीलरेशन अगर नीचे की ओर आ रही है तो वो क्या होगा, वो धरती पर आएगी तो उसका वजन जो है एक्सीलरेशन इंक्रीज कर, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो उसका वजन जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो, और नीचे आ रहा है तो घटता हुआ महसूस होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी ए जीरो है तो उसको कोई वेट में चेंजेस नहीं महसूस होगा। और अगर लिफ्ट टूट गई तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, यानी कि वेट जीरो दिखाएगा। और अगर आपका ए का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से ज्यादा है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सीलरेट कर रहे हो, जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर कोई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है व्हीकल, तो नेचुरली क्या होगा, हम छत पे चिपक जाएंगे। ऐसा है, यानी कि वेट निगेटिव हो जाएगा और उसके कारण क्या होगा, हम लाइटर महसूस करेंगे अपने को और हवा में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी, ये तुम लोगों को स्पेशल पॉइंट है और ये वन मार्क्स क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। अब आगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, हम लोगों को ये फोर्स है जो हम लोगों को अर्थ में बांधे रखता है, इसी के कारण ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही हम लोग अर्थ पर हैं। कहा जाता है कि अर्थ पर से एक बैग ग्रेविटेशन अगर जीरो हो जाएगा तो हम हवा में फ्लोट करने लगेंगे। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अराउंड का अर्थ है जो मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, हमारे प्लैनेट्स का जो मोशन सन के चारों ओर है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। टाइड्स ड्यू टू मून अर्थ एंड सन, टाइड्स जो है मून और अर्थ और सन के पास और दूर जाने के क्रम में, जो तुम जानते हो कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो उस क्रम में क्या होता है, टाइड्स कॉज होता है। और ये तो तुम लोग बताइए मोशन फॉर्मूला अंडर ग्रेविटेशन जो है वो चेंज करता है, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एंड वी अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशन है तो ये निगेटिव हो जाता है, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये है। इसके बाद आप लोग का थर्ड टॉपिक है केपलर्स लॉ, जो कि केपलर्स लॉ आपका थ्री लॉज है और उन्होंने केपलर्स ने दिया था 16th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स जोहान्स केपलर्स डिराइव्ड थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द एलिप्टिकल पाथ, एरिया स्वेप्ट आउट पर यूनिट इन कॉन्स्टेंट एंड एरियल वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एरियल वेलोसिटी एंड टू थर्ड लॉ फॉर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड